आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई मूवी फ्रेंड रिक्वेस्ट, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.3 out of 10। इस मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया गया है जिसने अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया और उसके बाद उसके साथ डिमोनिक एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई और उसके सभी क्लोज फ्रेंड्स मरने लगे। क्या वो लड़की सबका कारण जान पाएगी और क्या वो उसे रोक पाती है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरा है, जो अपनी फ्रेंड ओलिविया के साथ क्लास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसके क्लास टीचर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी एक स्टूडेंट मरीना ने सुसाइड कर लिया है और उसका सुसाइड वाला वीडियो किसी ने हमारे कॉलेज के वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। हमने वो वीडियो हटा ली है, पर आप सभी में से जिन्होंने भी वो वीडियो डाउनलोड कर रखी है वो वीडियो को डिलीट कर दे, वरना इस स्टूडेंट को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। अब हमें 2 हफ्ते पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। लॉरा एक सोशल मीडिया एडिक्ट थी। वो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर पोस्ट और स्टोरी शेयर करते हुए बिताती थी। वो अपनी लाइफ में चल रहे हर एक मोमेंट की फोटो क्लिक करके उसे फेसबुक पर अपलोड करती थी। अब हमें मरीना को दिखाया जाता है जो कि लॉरा के ही कॉलेज में एडमिशन लेती है। उसी दिन लॉरा अपने दोस्तों के साथ मैच में, जहां वो मरीना को नोटिस करती है। मरीना अकेले बैठी हुई थी और लॉरा की ही तरफ देख रही थी और लॉरा कॉलेज के बाद घर आती है और फिर से सोशल मीडिया यूज करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है जो कि उसी नई लड़की मरीना का है। लॉरा उसके अकाउंट को देखने लगती है, उसमें मरीना के 0 फ्रेंड्स थे और मरीना के पोस्ट भी काफी स्कैरी और क्रीपी थे, पर लॉरा फिर भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। और अगले दिन कॉलेज में लॉरा मरीना से मिलती है और उन दोनों के बीच नॉर्मल बातें होती है। इस सब के बाद मरीना को लगता है कि अब लॉरा और वो अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मरीना लॉरा को मैसेज करने लगती है, पर लॉरा के रिप्लाई ना देने के बावजूद वो उसे लगातार मैसेज किए जा रही थी। इस सब के कारण लॉरा को अब परेशानी हो रही थी। मरीना का बिहेवियर काफी क्रीपी होते जा रहा था क्योंकि लॉरा के रिप्लाई ना देने के कारण वो उसे कंटिन्यूसली कॉल किए जा रही थी। मरीना के इस बिहेवियर को देखकर लॉरा उसे इग्नोर करती है। अगले दिन लॉरा का बर्थडे होता है इसलिए वो पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसे मरीना का वीडियो कॉल आता है और इस बार वो उसका कॉल रिसीव करती है और मरीना लॉरा को उसके बर्थडे के लिए विश करती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आ सकती हूँ। लॉरा खुद भी नहीं चाहती थी कि मरीना उसके बर्थडे में आए क्योंकि लॉरा के सभी दोस्तों को मरीना काफी अजीब लगती थी, इसलिए लॉरा उसे झूठ बोलती है कि वो इस बार पार्टी नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है। और इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है और वो सभी काफी इंजॉय करते हैं और उसकी फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और वो फोटो मरीना देख लेती है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि लॉरा ने उसे पार्टी में नहीं बुलाया था। और अगले दिन मरीना लॉरा से कॉलेज में मिलती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया था जिसे बनाने में मुझे 2 हफ्ते लग गए। ये सुनकर लॉरा जवाब देती है कि हमें तो मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो तुम मेरे लिए 2 हफ्ते पहले से गिफ्ट कैसे बना रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मरीना पहले से ही लॉरा को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। उसी बीच मरीना का हेड कैप निकल जाता है और हम देखते हैं कि मरीना के ऊपर के बाल नहीं थे, वो देखने में काफी अजीब लग रही थी। इसी कारण मरीना हमेशा कैप लगाए रहती थी और कैप निकल जाने के कारण मरीना एम्बैरेस्ड फील करती है और वहां से चली जाती है। और लॉरा घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को इस सब के बारे में बताती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे सजेशन देता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और लॉरा मरीना को अनफ्रेंड कर देती है, जिसके कारण मरीना के फ्रेंड्स फिर से 0 हो जाते हैं, जो कि मरीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में अपने लैपटॉप को बंद करती है। और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां लॉरा मरीना की सुसाइड की बात सुनकर घबरा जाती है और लॉरा के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात लॉरा सो रही होती है, तभी उसे मरीना का एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि मरीना तो मर चुकी थी। और अपना लैपटॉप ऑन करके वो मरीना के मैसेज को देखती है जिसमें मरीना ने अपनी सुसाइड वीडियो भेजी थी और इस वीडियो में दिखाया गया था कि मरीना ने सुसाइड कैसे किया। मरीना ने सुसाइड करने से पहले एक रिचुअल किया था जिसमें उसने लॉरा की फोटो को जला करके उसी के ऊपर फांसी लगा ली थी। ये वीडियो देखकर वो काफी डर जाती है और लॉरा का बॉयफ्रेंड उसे संभालता है और वो उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो वीडियो डिलीट नहीं हो रही थी। और अगले दिन हम देखते हैं कि मरीना की सुसाइड वीडियो मरीना के अकाउंट पर अपलोड की गई है। किसी को भी पता नहीं था कि ये वीडियो किसने अपलोड की और लॉरा अपने अकाउंट में शेयर किए गए उसके
सुसाइड वाले वीडियो को फिर से डिलीट करने की कोशिश करने लगती है, पर वो वीडियो डिलीट नहीं हो रही थी इसलिए वो अपने अकाउंट को ही डिलीट करती है, पर वो भी नहीं होता। और इस वीडियो के सामने आ जाने के कारण सबसे पहला शक लौरा पे आता है, क्योंकि मरीना ने मरने से पहले लौरा की तस्वीर जलाई थी और पुलिस लौरा से पूछताछ करती है, पर लौरा उन्हें बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने तो उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश भी की पर वो नहीं हो रही। इसलिए लौरा मदद के लिए एक हैकर के पास जाती है और वो उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करने लगता है, पर उससे भी वो वीडियो डिलीट नहीं होती और लौरा वहां से चली जाती है। पर वो हैकर मरीना के आईडी को चेक करने लगता है कि आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है। अब हमें लौरा के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन डेड हो जाता है और उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, जिसके कारण वो काफी डर जाता है और बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए वो लिफ्ट में जाता है, जहां वो देखता है कि लिफ्ट के अंदर एक मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता है, जिसे देखकर वो और भी डर जाता है। और यहां पे सीन कट होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है और वो जैसे ही लिफ्ट ओपन करती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने सर को खुद ही लिफ्ट से ठोक रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही वो अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर इजाबेल काफी डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब इजाबेल को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसके सभी दोस्त उसे मिलने आए हुए थे, पर इजाबेल लौरा को घूरे जा रही थी और वो लौरा से बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और उसके बाकी फ्रेंड उसे समझाते हैं कि इसमें लौरा की कोई गलती नहीं। इस सब के बाद लौरा फिर से अपने आप को ब्लेम करने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और वो उसे समझा कर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद लौरा को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखती है कि उसी के अकाउंट में इजाबेल के बॉयफ्रेंड की मौत की वीडियो किसी ने अपलोड कर दी है। और लौरा फिर से उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, पर वो वीडियो भी डिलीट नहीं हो रही थी। इस सब के कारण लौरा पे शक और बढ़ते जा रहा था, इसलिए लौरा अपना अकाउंट भी डिलीट करने की कोशिश करती है, पर वो भी नहीं होता। और लौरा के बार बार ऐसे वीडियोस अपलोड करने के कारण उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाता है। इसके बाद लौरा फिर से उसी हैकर के पास जाती है और वो हैकर बताता है कि अगर हमें मरीना का लैपटॉप मिल गया तो हम उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, और उसका अकाउंट डिलीट होते ही तुम्हारा शेयर किया हुआ वो सुसाइड वीडियो भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसलिए वो दोनों मरीना के लैपटॉप को लेने के लिए उसी के सुसाइड किए हुए रूम में जाते हैं और लैपटॉप ढूंढने लगते हैं। इस दौरान उन्हें वहां से अजीब और डरावनी पेंटिंग्स मिलती है और उन्हें मरीना की बचपन की एक फोटो भी मिलती है। उस फोटो में दो लोगों के फेस को स्क्रैच किया गया था जो कि मरीना ने ही किया होगा। लौरा अब तक समझ चुकी थी कि जो भी उसके साथ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो मरीना के बारे में और जानने के लिए उस फोटो में दिए गए स्कूल के बारे में पता लगाती है और वहां पहुंचती है। और वहां की प्रिंसिपल लौरा को बताती है कि मरीना बचपन से ही बहुत अजीब लड़की थी, सारे बच्चे उससे डरते थे। और वो बताती है कि मरीना ने बचपन में बहुत टॉर्चर झेला है, इसलिए वो सबसे दूर अकेले रहती थी और उसने कम उम्र में ही इंटरनेट से बहुत सी ऐसी चीजें सीख ली थी जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है उसी हैकर पे जो कि फिर से मरीना के अकाउंट को देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि उसके हर एक पोस्ट पे ब्लैक मिरर लिखा हुआ है और वो ब्लैक मिरर पे रिसर्च करना शुरू करता है। और उसे पता चलता है कि ब्लैक मिरर एक रिचुअल है जिसमें लोग सबसे पहले उनकी फोटोज दिखाते हैं जिनसे उन्हें बदला लेना है, और उनकी फोटो को जलाकर वो खुद को फांसी लगा लेते हैं, और इस रिचुअल के कारण वो मरते नहीं बल्कि डीमन बन जाते हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। ये सब पढ़कर वो लड़का भी चौंक जाता है। अब हमें फिर से इजाबेल को दिखाया जाता है, अब उसके साथ भी अजीब सी एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी। उसका फोन अचानक से ऑफ हो जाता है और वो देखती है कि उसके आसपास के पेशेंट्स की बॉडी एकदम अजीब सी है, और इजाबेल ये सब देखकर डर जाती है और पूरे हॉस्पिटल में मदद मांगने के लिए भागने लगती है। पर पूरा हॉस्पिटल सुनसान था और वो डर कर एक कमरे में छिप जाती है, जहां वो देखती है कि उस कमरे में उसकी ही डेड बॉडी रखी हुई है। ये देखकर वो और भी डर जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि वहां पर मधुमक्खियां भिनभिना रही है और उसे वहां पर मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता नजर आता है, और अचानक से वो मधुमक्खियां उसके मुंह में घुसने लगती है और इस सब के कारण इजाबेल अपना ही गला काट लेती है। और फिर से इजाबेल के मौत का वीडियो लौरा के अकाउंट से अपलोड होता है और हमेशा की तरह लौरा उसे फिर से डिलीट नहीं कर पाती, और वो हैकर लौरा को उस ब्लैक मिरर रिचुअल के बारे में बताता है और बोलता है कि मरीना ने इसी रिचुअल को परफॉर्म किया था जिसके कारण वो मरी नहीं बल्कि डीमन बन गई और हम सबसे बदला ले रही है। अब हमें लौरा की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है, उसके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। उसे इजाबेल कैसे मरी वो नजर आ रहा था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक
सेक्स भी अपने आप वर्क कर रहे थे, जिससे वो डर जाती है और लॉरा से बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब ओलिविया लॉरा के ही घर पर थी। और लॉरा अपने बॉयफ्रेंड टाइलर को भी ब्लैक मिरर के बारे में बताती है और टाइलर मरीना पर और रिसर्च करने लगता है और उसे मरीना के मॉम का लोकेशन मिलता है जो कि मोरेस ग्रो में रहती थी और उसके घर में आग लगने के कारण उसकी मॉम की मौत जलने से हो गई थी। उस समय मरीना उसके पेट में थी। मरीना को तो डॉक्टर ने किसी तरह बचा लिया पर उसकी मॉम नहीं बच पाई और वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक फोटो में ओलिविया का चेहरा अजीब सा होने लगता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि अगला टारगेट ओलिविया है और वो ओलिविया के घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ओलिविया के साथ फिर से वो डरावनी एक्टिविटीज होने लगती है और जैसे ही टाइलर और लॉरा वहाँ पहुँचते हैं उसी समय ओलिविया उनके कार पे गिरती है जिसके कारण वो काफी जख्मी हो जाती है और लॉरा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और टाइलर से ओलिविया का ध्यान रखने को बोलकर उस हैकर के साथ मोरेस ग्रो के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर ओलिविया के अंदर वो डीमन आ जाता है और ओलिविया एक ऑफिसर से उसका गन छीनकर अपने आप को शूट कर लेती है। दूसरी तरफ लॉरा और वो हैकर मोरेस ग्रो पहुँचते हैं तभी उस हैकर के फोन पे एक मैसेज आता है और वो देखता है कि उसमें एक ब्लैक मिरर है और वो समझ जाता है कि अगला नंबर उसका है और वो लॉरा को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर लॉरा को समझ आता है कि मरीना की मॉम की मौत आग में जलने की वजह से नहीं हुई थी बल्कि वो भी उसी ब्लैक मिरर रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी। वहीं उस हैकर को समझ आ चुका था कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो सब लॉरा की वजह से है। अगर वो लॉरा को मार दे तो वो डीमन बन जाएगी और मरीना को उसकी फ्रेंड मिल जाएगी और वो दूसरे लोगों की जान नहीं लेगी। और वो हैकर लॉरा को मारने की कोशिश करने लगता है पर लॉरा किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं भी आ रहा हूँ। और लॉरा उसे अपना लोकेशन शेयर करती है जो कि एक फैक्ट्री थी जहाँ पर पहले मरीना की मॉम रहा करती थी। और वो उस फैक्ट्री में पहुँचता है जहाँ उसे वही हैकर मिलता है और वो पूरी बात उसे बताता है पर टाइलर उस पर ध्यान नहीं देता और उससे बोलता है कि तुम कार पे ही रुको और वो लॉरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे लॉरा नजर आती है और वो उसे गले लगा लेता है। इसी पल का फायदा उठाते हुए वो हैकर टाइलर पर चाकू से वार कर देता है और लॉरा को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए लॉरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है पर वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर आती है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और वो हैकर भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से बहुत सी मधुमक्खियां उस हैकर को चारों ओर से घेर लेती है और उसके मुंह के अंदर घुसने लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब लॉरा हार मान चुकी थी कि वो अब नहीं बचेगी। उसके सारे दोस्त भी मारे जा चुके थे। तभी मरीना का डीमन उसके सामने आता है और लॉरा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। और वो डीमन लॉरा को ब्लैक मिरर के सामने बुलाती है और लॉरा मिरर में अपनी छवि देख रही थी। तभी सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम लॉरा को देखते हैं जिसने मरीना की ही तरह गेटअप कर रखा है और सोशल मीडिया पे उसके फ्रेंड्स भी जीरो हो चुके हैं। मतलब मरीना का डीमन लॉरा के अंदर आ चुका है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन/समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।